प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज बिलासपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यानी कि सिम्स का लोकार्पण और रायपुर केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल रहेंगे। INH 24/7 से खास बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कहा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में जिस तरह से मिल रही सौगात, इसके बाद लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी 4 विभाग शुरू होंगे और आगामी 8 महीने में सभी 16 विभाग शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा मोतियाबंद ऑपरेशन की घटना पर कांग्रेस के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार किया। ये कहा, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। कांग्रेस के कार्यकाल में खराब दवाइयों की खरीदी की गई, जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ को आज कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। धनतेरस का ऐसा मौका है, ऐसे में छत्तीसगढ़ को सौगातें मिलना जिसमें प्रधानमंत्री खुद वर्चुअली शामिल होंगे, तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का क्या कुछ कहना है, सीधे उनसे ही चर्चा करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ को आज बड़ी सौगातें मिलने वाली है, किस प्रकार से देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए कितना ये नील का पत्थर साबित होगा? आज धनतेरस है और धनतेरस पर्व पर प्रदेशवासियों को बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और जैसी कि हमारे यहाँ परंपरा रही है, धनतेरस में हम कोई न कोई वस्तु खरीदते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी करते हैं। और ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा दिन है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ को दो बड़े उपहार दे रहे हैं। बिलासपुर में जो प्रधानमंत्री जी के समय ही प्रारंभ हुआ था और हमारी भाजपा की सरकार थी 2017 में ये प्रारंभ हुआ मल्टी सुपर स्पेशलिटी, आज चालू होने जा रहा है और उसकी सौगात माननीय प्रधानमंत्री वर्चुअली देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पल के गवाह होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां बिलासपुर जाएंगे। दूसरी बड़ी उपहार, छत्तीसगढ़ का पहला योग और आयुर्वेद का 100 बेड का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल करेंगे। अपने मोतियाबिंद के जो इलाज के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे आदिवासी, उनका जो है कहीं ना कहीं आप लोगों ने कड़ी कार्यवाही भी की, जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, लेकिन अब आने वाले समय में क्या उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध है? देखिए, मैं अभी बाहर के भी डॉक्टर, दिल्ली के भी विशेषज्ञों से मेरी बात हुई है और उनसे भी हमारे डॉक्टर निरंतर संपर्क में है कि जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। अभी जितने भी ऑपरेशन हुआ था उन लोगों को चिन्हित करने के लिए हमने टीम भी बना दिया है कि और ऐसी किसी प्रकार का कोई मरीज छूट ना जाए, और सरकार की ओर से जितना हो सक रहा है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनका इलाज बेहतर से बेहतर हो। और जो भी उसमें प्रारंभिक दृष्टिया में लापरवाही या जो इस प्रकार की जो घटना हुई उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को हम 3 लोगों को सस्पेंड भी कर दिए हैं, अभी और जांच कर रहे हैं, उसमें और भी कार्रवाई करेंगे। सर, एक खास बात देखी गई इसी में, विपक्षी दल जो है कांग्रेस की ओर से ये बयान आ रहा है कि कमीशन खोरी के चलते जो एक तरह से दवाई है, नकली दवाइयां हैं, उनका सप्लाई स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, जिसकी वजह से यह स्थिति निर्मित हुई, किस प्रकार से देखते हैं उनके? हो भी सकता है, कांग्रेस वालों को ये मालूम होना चाहिए कि अभी भी वो लोग इतना दवाई और उपकरण रिजेंट जितना खरीद चुके हैं, अभी उनका ही खरीदा हुआ चल रहा है। ये अपना समय में जैसा करते थे वैसा सोचते हैं। निश्चित रूप से जहां पे गड़बड़ी लगेगी अभी भी तो हम उसको जांच तो कराएंगे और जांच करा भी रहे हैं कई चीजों को जी। जैसे कि आपने खुद भी सुना, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का क्या कुछ कहना है, आने वाले समय में जो कड़ी कार्यवाही है वो भी कहीं ना कहीं मोतियाबिंद की जो एक तरह से हुई है लापरवाही उस पर की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में और भी काम जो है होते हैं। कैमरामैन अरुण के साथ दामिनी बंजारे, INH 24/7 रायपुर।